बड़वानी जिले में राजघाट पर स्थित महात्मा गांधी के स्मारक को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने जेसीबी चलाना शुरू कर दी है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़वानी जिले का राजघाट सरदार सरोवर बांध के दूर क्षेत्र में आ चुका है। यहां स्थापित गांधी स्मारक राष्ट्रीय धरोहर है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कस्तूरबा बाई और महादेव देसाई के अस्थि कलश रखे गए हैं। विस्थापन की जल्दबाजी में लगे जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक स्मारक को जेसीबी से ध्वस्त करना आरंभ कर दिया, जिसका विरोध करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने कहा कि राष्ट्रपिता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है, जिनका अस्थि कलश कीचड़ से सनी हुई जेसीबी मशीन में मिल जा रहा है। समिति के सदस्य, यहाँ के साधु संत सबने एकत्रित होकर इसे रोका। वो जेसीबी में कीचड़ के बीच में वो शिला रखकर ले जा रहे थे, जिसके अंदर कितने कलश हैं, सभी कलश निकाले गए हैं कि नहीं ये भी मालूम नहीं। जिला प्रशासन ने अल सुबह से ही राजघाट पहुँच स्मारक को तोड़ना आरम्भ कर दिया था, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को दी, जिस पर मेधा पाटकर और साधु संतों ने मौके पर पहुंच कड़ा विरोध जताया। नर्मदा बचाओ आंदोलन सहित स्थानीय लोगों की मांग है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कस्तूरबा बाई और महादेव देसाई के अस्थि कलश का विस्थापन विधिवत और सम्माननीय तरीके से किया जावे। एनबीए और संतों के कड़े विरोध के बाद प्रशासन बैकफुट पर नजर आया, जिन्होंने स्मारक से निकाले गए अस्थि कलश को वापस अपनी जगह पर रख दिया। फिलहाल गांधी स्मारक का विस्थापन रुका हुआ है। आज से नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने राजघाट स्थित समाधि स्थल पर अनशन शुरू कर दिया। आज बड़वानी जिले के मध्य प्रदेश के प्रशासन ने नर्मदा किनारे की दशकों पुरानी महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा और महादेव भाई की समाधि को रात के अंधेरे में भर बारिश में जेसीबी लाकर उखाड़ना और उखाड़ कर खुले में राजघाट के वसाट में फेंकने की पूरी तैयारी करना, ये एक अद्भुत बात है। ये राष्ट्र की, राष्ट्रपिता की, ग्राम सभा की, कानून की, संविधान की अवमानना है। बड़वानी से अजय यादव की रिपोर्ट।